गाजर का हलवा तो आपने बहुत तरीकों से खाया होगा, मगर आज आप मेरे स्टाइल में गाजर का हलवा बनाना सीखें। प्लीज मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके लिए मैंने आधा किलो गाजर धो के ले लिए और साथ में खोआ भी आधा किलो लिए है, ग्रेटर, जिससे कि काफ़ी मोटा मोटा गाजर छिल जाए। मिल्क मेड, आधा गिलास दूध, देसी घी, ड्राइड मिल्क पाउडर, आपके मनपसंद ड्राई फ्रूट्स, चीनी और इलायची। सबसे पहले तो हम गैस में एक पैन रखेंगे, इसमें एक चम्मच देसी घी को मेल्ट करेंगे और जो हमने गाजर छूर के रखी है वो हम पहले इस घी में डाल के इसको श्रिंक करने के लिए रख देंगे और इसको कवर कर देंगे। अब ये काफ़ी श्रिंक हो गया है, अब हम इसमें आधा कप दूध का डालेंगे ताकि ये थोड़ी से नरम हो जाए। और देखिए ये थोड़ी नरम भी हो गई है। और अब हम इसमें इलायची पाउडर या कुटी हुई फ्रेश इलायची डालेंगे। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच मिल्क मेड भी ऐड करेंगे। अक्सर मैं घर में भी इसी तरह से गजरेला बनाती हूँ और ये बहुत टेस्टी बनके तैयार होता है। मेरे स्टाइल में बना के देखिए एक बार, आपको भी बहुत पसंद आएगा। अब मैं इसमें जो मैंने श्रेडेड खोआ रखा था वो भी मैं आधा किलो इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो कम और ज़्यादा भी डाल सकते हैं, वो आपकी पसंद पर है। साथ ही साथ मैंने इसमें ड्राई मिल्क पाउडर भी 2 से 3 चम्मच ऐड किया है। ये सब डालने से जो आपका गजरेला है, ये इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल ही डिफरेंट बाज़ार की तरह हो जाता है। और अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए, इसमें पानी ना रहे। हमने इसको अच्छी तरह से सुखाना है। और अब हम इसमें चीनी भी ऐड करेंगे। चीनी आप चाहें तो थोड़ा कम भी डालें, क्योंकि इसमें मिल्क मेड में ऑलरेडी बड़ी चीनी होती है, तो मैंने ये एक छोटा बाउल चीनी का डाला है इसमें। और अब हम इसको ढक के रख देंगे ताकि इसमें जितनी भी ये लिक्विडी दिख रहा है ये, तो ये सब श्रिंक हो जाए। और ये देखिए इसका काफ़ी पानी श्रिंक हो गया है और ये भुनने भी लगा है। इस टाइम हम अपना मनपसंद कटा हुआ ड्राई फ्रूट भी इसमें ऐड कर लेंगे। और देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है। और आप देख रहे होंगे कि साइडों में आपको घी भी नज़र आ रहा है कि ये भुन चुका है अच्छी तरह से। बस अब ये बन के तैयार हो चुका है। बस अब हम इसको गरम गरम सर्व करेंगे। और देखिए ये बनके कितना अच्छा लग रहा है और ये खाने में भी बहुत बहुत टेस्टी था। इसको आप 3 से 4 दिन फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।